शिवाय दोस्तों, आज हम एक एकदम विलक्षण शख्सियत की बात करने वाले हैं। राजनीतिज्ञ, सोशल फिगर ओमी कालानी। दोस्तों, ओमी कालानी जिनका कर्क लग्न बनता है, कुंडली का जो प्रथम खाना है उसे लग्न कहा जाता है, तो कर्क लग्न बनता है। कर्क राशि एक जल तत्व राशि है, इट इज काइंड ऑफ अ फ्लोटिंग साइन। ऐसे लोगों का जो मन है वो सौम्य होता है, हैप्पी गो लकी टाइप के होते हैं। कहीं भी इजीली जो है, कहीं भी पानी का जैसे होता है आकार, कहीं भी किसी भी फॉर्म में शेप में डल जाता है पानी। तो कर्क लग्न एक इन जनरल एक सौम्यता देता है पर्सनालिटी में। चंद्रमा इस राशि का मालिक है, और जो लग्न का इनका मालिक है चंद्रमा, वो बैठा है इनके लाभ भाव में, रोहिणी नाम के नक्षत्र में। दोस्तों, ये बड़ा ही विचित्र नक्षत्र है। भगवान कृष्ण जो है रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया था उन्होंने। महाकवि कालिदास जो है वो इस नक्षत्र में जन्मे थे। तेनाली रमण, महाराज विक्रमादित्य और चाणक्य, इन सभी का बर्थ स्टार जो है रोहिणी है। श्री कृष्ण के जीवन का एक मुख्य हिस्सा है कि वो रथ चालक थे। 80% ऑफ लॉर्ड कृष्णास लाइफ इज स्पेंट फ्रॉम ट्रैवलिंग फ्रॉम वन किंगडम टू अनदर ऑन अ चैरियट। ओके, देखा गया है रोहिणी नक्षत्र में जन्मे जातकों के पास एक सफेद कलर की, वाइट कलर की एक लग्जरी व्हीकल जरूर होती है। सभी जानते हैं ओमी कालानी के पास एक रेंज रोवर नामक व्हीकल है, और इस व्हीकल के चर्चा में रहते हैं। लोगों में एक फस होता है एक उनके व्हीकल को लेके, जो है चर्चा में रहते हैं। और जो उनके मित्र आदि सोशल मीडिया वगैरह पे बहुत बार देखे गए उनका और उनके व्हीकल के साथ फोटो, तो व्हीकल रोहिणी नक्षत्र। आज दिन तक भगवान कृष्ण के हम काफ़ी फोटोज़ देखते हैं जहाँ वो रथ चला रहे हैं, तो रथ रोहिणी का सिंबल ही है रथ का। तो इम्पॉर्टेंट व्हीकल जो है ऐसे लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और यदि बात करें DNA एस्ट्रोलॉजी की, दोस्तों जो आप लोग नहीं जानते कि DNA एस्ट्रोलॉजी क्या है, आप मेरा चैनल चेक कर सकते हैं। DNA एस्ट्रोलॉजी में हमने बात की है मर्क्यूरी कर्मा रजिस्ट्री इंसान को बहुत बुद्धिमान बनाती है, इंटेलेक्चुअल बनाती है। एट द सेम टाइम इंसान को एनालिटिकल अप्रोच देती है, और ऐसे इंसान में एक पिक्यूलर आदत होती है रिकॉर्ड कीपिंग और बुक कीपिंग somebody's records। तो जो लोग ओमी कालानी को क्लोजली जानते हैं वो ये बात बली बांधी जानते होंगे कि वो फ़ोन कॉल जो है हमेशा रिकॉर्ड करते हैं। और श्री ओमी कालानी, कई लोग जिनके कुंडली में मर्क्यूरी कर्मा रजिस्ट्री प्रोमिनेंट होता है, वो आपकी बातें, आप जो कहते हैं, आपका जो व्यवहार है, सबका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, बही खाता मेंटेन करते हैं, ऑडियो वीडियो नहीं तो दिमाग में ज़रूर वो मेंटेन करते हैं। और जैसे बताया चंद्रमा वृषभ राशि में है, वृषभ राशि जो है एक बैल है ना, बैल या गाय जिसको बोले, उसका आकार है। तो बैल जितने भी चरते हैं जानवर, या जिसको हम इंग्लिश में र्यूमिनेंट्स कहते हैं, जो घास फूस कंदमूल खाते हैं, स्पेशली गाय बैल में ये चीज़ देखी गई है कि वो एक बार से फूड खा लेते हैं, खाना खा लेते हैं, और फिर से उसे जबान पर लाकर फिर से उसका जो है चबाते हैं, दे च्यू द फूड। तो रोहिणी नक्षत्र वाले जातकों में एक और चीज़ देखी गई है कि वो बीते पास्ट की मेमोरीज रख रख के इनके दिमाग में आती हैं, और उसे जो है वो च्यू करते हैं, दे यूज टू च्यू द मेमोरीज इन देयर ब्रेन। एंड फिजिकली ऑल्सो दे आर फॉन्ड ऑफ च्यूइंग, लाइक च्यूइंग समथिंग। ओमी कालानी जी एक बड़ा ही विचित्र पदार्थ जो है जवान पर जो है चबाते रहते हैं,
जो उन्हें बलिवादि जाते हो उसके बारे में अवेयर हैं। हाँ जी हाँ, मैं दोस्तों सौंफ और इलायची की बात कर रहा था। सौंफ और इलायची जो है खाने के बड़े शौकीन हैं ओमी कालानी जी, तो ऐसे लोगों को कुछ ना कुछ चबाने। और दोस्तों इसके पीछे भी लॉजिक है, हमारी जो जबान है, हमारा जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उससे कनेक्टेड होती है। तो रोहिणी नक्षत्र वालों का ब्रेनी होना, इंटेलिजेंट होना और कुछ चबाते रहना, ये किसी और चीज़ की तरफ हमें इशारा करता है। तो इंटेलेक्चुअल लेवल पे, बौद्धिक लेवल पे इन्हें हराना किसी भी क्षेत्र में मुश्किल ही नहीं है, नामुमकिन है। आगे बढ़ते हैं, सप्तम भाव जो है जीवन साथी का होता है। सप्तम भाव में हम देखेंगे कि जो है इनके मकर राशि बनी और मालिक ग्रह बना शनि, जो कि बैठा है मघा नक्षत्र में, सिंह राशि में। सिंह राशि का जो है आकार है एक लायन का, और ये एक राजा का सिंहासन, राजा का मुकुट। मघा का अर्थ होता है मघवान, मघा नक्षत्र जो जिनका शनि बैठा है। तो इस शनि ने ये कार्य किया कि इनकी जो जीवन साथी है पंचम कालानी, उनको पद पर, महापौर के पद पर विराजित कर दिया। और इत्तेफाक की बात है, आप लोग जो सभी मेरे से जुड़े हुए हैं वो ये जानते हैं कि कैसे ये जो सिंबल्स हैं, ये जो एनिमल टोटम्स हैं, ये कैसे काम करते हैं। तो जैसे मैंने बताया, लायन पत्नी घर का मालिक लायन के राशि में, लायन के नक्षत्र में बैठा है। तो पंचम कालानी जी के कार के पीछे जो है अशोका का चक्र, जब वे पद पर थी, महापौर पद पर थी, तो अशोका का चक्र जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो एम्बलम है हमारा, नेशनल एम्बलम, वो उन्हें दिया गया। और मघा, जैसे मैंने बताया, क्राउन चेयर, प्रोमिनेंट चेयर, गद्दी भी जो है उन्हें मिली है ना। फिर से आते हैं रोहिणी नक्षत्र की तरफ। तो रोहिणी नक्षत्र में मैंने बताया तीक्ष्ण बुद्धि, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी बड़ी ही हाई होती है। मैंने कुछ उदाहरण दिए, भगवान कृष्ण, महाराजा विक्रमादित्य, चाणक्य, तेनाली रमन, महाकवि कालिदास, लियोनार्डो डा विंची, फ्रांस के बड़े ही प्रख्यात पेंटर रहे, गोल्डन रेशो का सिद्धांत जगत को उन्होंने बताया, ये सब जो है रोहिणी नक्षत्र वाले जातक है ना। और रोहिणी नक्षत्र में एक और चीज हम प्रोमिनेंट देखेंगे कि इमीडिएट रिलेटिव, भाई बहन बच्चे, घर में की कोई जो है इंटर कास्ट लव मैरिज करता है। और हम जानते हैं इनकी जो सिस्टर हैं सीमा कालानी शाह, उनकी जो है इंटर कास्ट मैरिज हुई है। तो ये भी हम ये करते हैं, प्रमाणित करती है डीएनए एस्ट्रोलॉजी इसको। और घर में लेफ्ट हैंड से लिखने वाले लोग, जिस भी नक्षत्र के ऊपर मर्क्यूरी कर्मा रजिस्ट्री है, रोहिणी नक्षत्र, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, पूर्व अषाढ़ नक्षत्र, पूर्व अषाढ़ नक्षत्र इनके पिताजी पप्पू कालानी जी का है, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र इनकी सिस्टर, छोटी सिस्टर पिंकी कालानी का है, और रोहिणी नक्षत्र इनके खुद का है। तो लेफ्ट हैंड से लिखने वाले लोग घर में इनके पाए जाएंगे। और ये जो नक्षत्र है डाइवोर्सेस या मोर देन वन मैरिज से भी जुड़ा हुआ है। तो काफ़ी फैमिली मेंबर्स का इनके घर में एक से ज़्यादा शादियां भी प्रचलित हैं। और बात करें आने वाले समय की, आने वाला समय इनके लिए बहुत अच्छा है। राजनीतिक क्षेत्र में काफ़ी ऊंचाइयां छुएंगे है ना। एक सूत्रधारी की, एक रणनीतिज्ञ की इनकी भूमिका रहने वाली है। और 50 साल की उम्र आने तक वे कहीं अब्रॉड जाके, फॉरेन जाके सेटल होंगे और राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तो ये था ओमी कालानी की पत्रिका के बारे में। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं, अच्छे क्वालिटी के जेमस्टोन्स चाहते हैं, या पूजा पाठ आदि कोई शुभ मांगलिक कार्य करवाना चाहते हैं, तो संपर्क करें हमारे महर्षि एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर में। मेरा नंबर है 9503596761।
देखते रहिए मेरे वीडियोज मार्सी एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर पे। थैंक यू।